पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को पूरे देश भर में आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजधानी शिमला के छोटा शिमला स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, रोहित ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य विधायक व गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश के विकास में राजीव गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में राजीव गांधी को जाना जाता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजीव गांधी ने NSUI की मांग पर मतदान की उम्र को 21 से 18 साल किया। अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना किया तो राजीव गांधी ने संचार क्रांति लाई और IT के क्षेत्र में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। महिलाओं को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण देने का राजीव गांधी का फैसला था। राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने उस समय प्रधानमंत्री काल में उन्होंने ऐसे परिवर्तन किए जिससे समाज पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो परिवर्तन उन्होंने किए वो लोकतंत्र का स्तंभ मजबूती से आज खड़ा है। जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो मैं NSUI का अध्यक्ष था और हमने राजीव गांधी जी से अनुरोध किया। उस समय वोटिंग की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। NSUI की मांग पर राजीव गांधी जी ने जो युवा है उसको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए उनकी उम्र को 21 साल से कम करके 18 साल किया। ये सबसे बड़ी देन हिंदुस्तान के युवाओं को राजीव गांधी जी की है। जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देना बंद के लिए मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, उस समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम संचार क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे और उस समय की सोच के अनुसार उन्होंने उसमें बदलाव लाया। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। महिलाओं के आरक्षण की बात थी, उस समय महिलाएं घूंघट में चला करती थी। राजीव गांधी जी ने कहा कि महिलाओं की भी लोकतंत्र में भागीदारी होनी चाहिए और उन्होंने लोक पंचायती राज संस्थाएं, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया और महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित की। वो पक्षधर थे कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण मिलना चाहिए और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनके इस विचार को आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की थी। ये सब बदलाव समाज के बदलाव के अनुसार लाए गए, समय के बदलाव के अनुसार लाए गए और हमें खुशी है कि आज जिस जगह हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में जो हमारा डंका बज रहा है राजीव गांधी जी की सोच से निकला हुआ एक विचार था जो आज पूरे विश्व में उनका ये विचार राज कर रहा है। सर, इसके अतिरिक्त अक्रॉस द कंट्री जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 8th डे है, OPD सर्विसेज इफेक्ट हुई है। उनकी जो मांग है डॉक्टर्स प्रोटेक्शन।